कमलेश भी अभी ना एक नंबर के लेट लतीफ है, कभी भी टाइम पे नहीं आते। सही बोल रहे हो तू, आधा घंटा हो गया है अभी तक ना आए हैं, अभी तक मीट करा रही थी मम्मी जी। तेरी दिमाग की घड़ी ना स्लो है, पूरा एक घंटा हो गया। ऋतिक रिक्शा ले लेता है, पता नहीं कमलेश भैया कब आएंगे। रिक्शा पर रिक्शा भी तो नजर नहीं आ रही। सही बोल रहे हो तू, मुझे लगता है कि आज रिक्शा वाले की ना वो हड़ताल लेगी, जहाँ मेरी इंजन ना दिख रहे हुए। ठंड भी बहुत ज्यादा ही है सारू। मुझे तो कभी कभी लगता है कि किस कंजूस के घर में पैदा हो गया हूँ। कम से कम तीनों को एक एक साइकिल तो दे सकते हैं। बोला तो है कितनी बार साइकिल दिला दो पापा, साइकिल दिला दो, पर नहीं। पर कहते हैं अगर साइकिल दिला दी तो रोज रोज हाथ पांव तोड़वा के आओगे। तो गाड़ी दिला देती, चार पहिया की गाड़ी, कार। क्या बोल रहा है यार, जो इंसान एक दो पहिए की साइकिल नहीं ले सकता वो क्या चार पहिए वाली गाड़ी लेगा? तुझे लगता है भैया कुछ नहीं लेके दे सकता वो इंसान? कमलेश भी है क्या? नहीं गाड़ी है, गाड़ी हमारे लिए कहाँ आएगी। वो ठंडी हो रही है। हाय, तुम लोग अभी तक गए नहीं, यही हो? यार ये कमलेश भी अभी देखना आए नहीं है और रिक्शा भी नजर नहीं आ रही। तो तुम अपने डैडी से क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें एक कार दिला दे? प्लीज हमारे जख्म पे नमक मत छिड़क, चल जा यहाँ से, जा। देखो मेरे डैडी तो हवलदार है, फिर भी उन्होंने मुझे कार दिलाई। तुम्हारे डैडी तो दरोगा है, कंजूस अंगल होंगे। राजेश बहू हम आओ ना, दम निकल गया हो, तनिक थोड़ी देर खिलाने जे धैरा पकड़ लियो। अरे अम्मा हम कहाँ से पकड़े, हमारे हाथ में पैसे चार पांच है, तुम कहाँ बात कर रही हो जे? तो किन्ने गई थी इतनी सारी शॉपिंग करने को? तो हमने अपने लाए करो है कब, घर को सामान है, बच्चन के कपड़े हैं। अरे रिक्शा कहाँ गो? अरे भैया रिक्शा वाले भैया नहीं रुको भैया, मॉडर्न कॉलोनी छोड़ने भैया रिक्शा। अरे मॉडर्न कॉलोनी भैया, और ना स्पीड है, हमें घर तक छोड़ देगा तो तेरा रिक्शा का कचू घट जाएगा है, उल्टा एक दो रुपया फालतू का दे देंगे। अरे अम्मा आजकल एक दो रुपया में कछु नहीं होता है, तुम कम निकलती हो ना घर से, जे तुम लंबो चौड़ो मुंह अपना फाड़त है ना, हमें पता है हम रोज हमारा पालो पड़ते हैं इनसे। लेकिन आज जे रिक्शे वालन का अकाल काय पड़ गया है? सही बोल रही है अम्मा, एक और रिक्शा ना दिख रहा है। बहू हम सच कह रहे हैं, अब हमसे पैदल ना चला जाएगा। अरे अम्मा हम नहीं चल पाए आप पैदल। अरे राजेश, अरे बड़ी शॉपिंग हो रही है। अरे हमने ना करी है जे, बच्चन के लाए और घर को सामान है। और अम्मा जी आज तो बड़ी शॉपिंग कर लिया आपने। ना ना हमने कछु शॉपिंग पॉपिंग ना करी। अच्छा ते फालतू की बात छोड़ दे बेटा, तू ना हमें घर तक छोड़ दे। हाँ बहुत लेट होएगा, वो कर इसमें घर तक छोड़ दे, चलो ना। सॉरी राजेश, लेकिन मैं तो मॉडर्न कॉलोनी की तरफ जा ही नहीं रही ना, मैं तो अफीम कोटी की तरफ जा रही हूँ। अरे वो जो उस्मान टेलर है ना, लेडीज टेलर, क्या कपड़े सीता है उसने, मेरा घाघरा बनाया है, रेडी हो गया है, बस वही लेने जा रही थी। अरे बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पहले हमें घर छोड़ दे फिर चले जाइयो वहाँ। नहीं नहीं अम्मा, वो तो उसे किसी शादी में जाना है, मेरा ही वेट कर रहा है बस, तो चलती हूँ मैं ना। ड्राइवर चलो, ड्राइवर चलो। बाय बाय राजेश। देखा अपनी फालतू सहेली की हरकत, हम मुंह कारो कर दो। अम्मा जब बात की जिम्मेदार ना तुम्हारे लल्ला हप्पू सिंह है। हाँ इतना तो ऊपर नीचे कमाते हैं कि एक छोटी सी कार ले ले। ये तो बिल्कुल सही कह रही है, आज हम हप्पुआ से आर पार करके रहेंगे, अब जे मुंह तभी धुलेगा जब हमारे घर में गाड़ी आएगी। हम कह रहे हैं ना
घास पीटे हम भिखारी दिख रहे हैं, हमारा लौंडा दरोगा है, तेरे हाथ पैर छोड़ के हाथ में धर देंगे। बताओ अम्मा, आप तो भिखारी ही दिख रहे हैं। 2 रुपए दे के गए हैं, आजकल कम से कम लोग 10 रुपए देते हैं। हाउ हाउ, ठंडू ठंडू लग रहा हूँ। मनोहर जी सर, यार आज तूने हमें गरम गरम अदरक वाली चाय न पिलवाई। मकवाना ला रहा होगा। तू कहीं ना ले आएगू? सर मैं उससे सीनियर हूं। अच्छा, जो बात तू उसे कौन ने कह दी? सर वो अभी अभी हवलदार बना है, मैं तो पहले से हवलदार हूं। लेकिन वो पहले कमिश्नर भी है। तो तू जिंदगी जब से तूने शुरू करी है तब से सारे तू हवलदार है, ये अब बता कौन सीनियर है? सॉरी सर, मैं और मकवाना दोनों ही जूनियर हैं, आप यहाँ के सीनियर हैं। हम जूनियर हैं? नहीं नहीं सर, नहीं, मैं क्या बोलो? नहीं मैंने कहा मैं और मकवाना दोनों ही जूनियर हैं। तेरी सास से सारे जूनियर हैं। सीनियरिटी तक सास से पहुंच ही ना रही है, बीच में अटकी पड़ी है, सारे दिमाग को दही कर देते सुबह सुबह। जय हिंद सर। जय हिंद मकवाना। सर जब आप अपने मुंह से मेरा नाम लेते हैं ना, बड़ा अजीब सा लगता है। हमें तो बिल्कुल करेक्ट लगतो है, तो को अजीब काहे लगतो है? असल में देखो जाए तो तेरी जो योग्यता रही है शुरू से, किस्मत को धनी है, वरना तू तो हमेशा हमारे नीचे ही काम करने लायक है। तू सर जी, आपकी किस्मत अच्छी है जो मैं हवलदार बन गया, और मैं वही का वही हूँ। अरे तू तो सारे वही को वही हमेशा रहेगो, अपनी टांग बीच में उड़ाएगो सालो। तू कछु करने लायक ना है, जो तू ठान ले जो तू मान ले, चुप बिल्कुल। तुम पापा को थानू है, लेट कैसे हो गए? वो सर क्या है ना, वो मुझे अपनी गाड़ी बेचनी थी, तो वो ग्राहक टाइम बे टाइम आ जाते हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया सर। गाड़ी बेचने मतलब? तुम्हारे मकवाना इतनी कम तनख्वाह ना है कि तुम्हें ससुर गाड़ी बेचने की नौबत आ गई? सर जी, जिसने कमिश्नर की तनख्वाह देखी हो ना, उसके लिए हवलदार की तनख्वाह तो बहुत छोटी है ना। इसे कहते हैं उल्टी प्रगति। तो मैं कह रहा हूं उल्टो, सारे सारी प्रगति रुक जाएगी ये तो थाने में। ना चुप रहो करे। हाँ तुम सुनो, तुम गाड़ी मतलब कौन सी गाड़ी है तुम्हारी? सर जी आप उस गाड़ी में बैठे हुए हो। मैंने खुद सेकंड हैंड ली थी, A1 कंडीशन है सर। तो मकवाना वो गाड़ी हम ले सकते हैं का? खरीदनी पड़ेगी सर। अरे तो खरीदेंगे ना यार, हमने कहा फेरी फंड की बात करी, मुझे भी गाड़ी खरीदनी है। वेरी गुड, कस्टमर दो, लेकिन सर गाड़ी तो मेरे पास एक ही है ना। लेकिन हमने पहले कही थी तो गाड़ी हमें मिलनी चाहिए ना। बात तो ये भी सही है सर, हम बोली लगाएंगे, जो ज्यादा पैसा लगाएगा गाड़ी उसी की। सर बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं ना, बोली लगा लेते हैं। तो कार की स्टार्टिंग कीमत है 40,000। 42,000। 42,000 एक, 42,000 दो, 50,000। पचास हजार एक, 50,000 दो, 55,000। वाह वाह, इसको कहते हैं बोली। 55,000 एक, 55,000 दो, 75,000। सर 75 तो फिर 75,000 एक, 76,000। 76,000 जी, में 3 बिंदी होती है वो 76,000। क्या सर जी, थानेदार होके भी आप 500,000 रुपए बढ़ा रहे हो? इसको देखो, आपसे ज्यादा बोली तो वो लगा रहा है। अरे तुम ज्यादा बहस ना करो यार, इनकी बस की ना है। अब तुम सुनो ना, डन करो बस। 1,00,000।
मन्ने तो यो समझ ना आ रहा कब तक ऐसे काले मुंह लेकर बैठे रहोगे सबके सब। जब तक जा घर में चार पहिए वाली गाड़ी ना आ जाती। फिर तो जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। क्यों जिका बकवास कर रही हो तुम? मम्मी वो कड़वी बात से लेकिन वो सच बात से, बापू चार पहिए की गाड़ी तो लेने से रहा। कैसे ना लाएगा, हम बाके गुर्दे ना छीन लेंगे। दादी तू गुर्दे छील या फेफड़े, बापू चार पहिए की गाड़ी लेगा ही नहीं। हम नींबू निचोड़ देंगे। और सुनो तुम ज्यादा वकील ना बनो ठीक है? बहुत बढ़िया अम्मा, राम राम। राम राम। अरे अम्मा तुम जो इतना मुंह कालू कहां से करवाई? ना सपीटे ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे अम्मा तुम तो ऐसे कह नहीं, तुम्हारा मुंह हमारे चक्कर में कालू हो गए। हम और अम्मा मार्केट गए हते, पूरे मार्केट में रिक्शा को अकाल हतो, पैदल चल के आए मार्केट से घर तक। हमारे साथ भी यही हुआ है, कमलेश भैया हमें लेने ही नहीं आए और हमें स्कूल से घर तक पैदल आना पड़ा। जी देखो वो ट्रैफिक की धुआं ने ना हमारा चेहरा काला कर दो हुए। ऐसा बड़ा गोर हुए। एक तो जे उम्र में पैदल चलते चलते बुरा हाल है को, ऊपर से जाके सहेली ने अपने कार को धुओं हमारे चेहरे पे मार दो। अब बताओ हमें इतो रोनो आओ का फायदा है गो, इतो बड़ो दरोगा है माऊ बेटा है? और जे उम्र में हमें जे दिन देखने पड़ो चेहरा काला करके। गाड़ी के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिससे लोगों की मौत भी हो सकती है। चुप कर। हमारी सारी सहेलियों के घर में कार है, वे सब हमें ताना देती है कि तुम्हारा पति दरोगा है, एको कार ना है तुम्हारे घर में। मम्मी सिर्फ आपको ही ताने नहीं देते, मेरे दोस्त भी मुझे ताने देते हैं। मेरे भी, मेरी भी दीदी आएंगी। हमने फैसलो कर लो है, जब तक जा घर में चार पहिए की गाड़ी ना आती हम मुंह ना धोई। हम भी। वन टू थ्री हम भी। अरे तुम लोगों ने कह ली ये और कछु बकने हैं? हमने तो कह ली, अब तुम बको नेक। ना ना अब हम रज्जू बकेंगे ना, हम सीधो दिखाएंगे। ना का दिखाएगो घुइया? तुम पहले बाहर तो तशरीफ चलो लेके, चलो आतनक बाहर अब दिखाते हैं बड़ी जची। इन बाहर कौन सो छह दांतन वालों हाथी जो दिखाइयो? हाँ हाँ दस ठैया दांत वालों हाथी है, ऐसे खड़ो है, आ जाओ। अम्मा एक बार लौंडा लबाड़ी प्लीज कम। हाँ चलो चलो देखते का दिखाओ। आओ, आओ चलो आओ। अरे अम्मा जो वो है जाको लेके तुम रज्जो, जिस सारे हमारे लौंडा लपाड़ी चबन्नी अठन्नी सारे मेलो ड्रामा कर रहे थे ना अंदर, जो वो है। साड़ी है भी। पास है। जे तुम्हारी है का? नो नो पड़ोसी की है। अरे दादा जी हमारी ना है अकेली, रज्जो जी तुम्हारी है, अम्मा की है, हमारी नोनो ठैया की है। बापू मरने तो यकीन ही ना हो रहा तूने गाड़ी खरीद ली। Yes father, me also cannot believing that you brought in the car. अरे किसी से निशावर मांग के लिए होगी। देख रही जो लौंडा हमें तो मैंने पैदा करूँ ना, जो ससुर हमें जो लौंडा कभी पसंद ना आए सारू, हम कछु खुशी से काम करें जो डंक मार दे तू है। अबे सारे अपनी मेहनत की खून पसीना की कमाई से खरीदी है जो नोट देखे। पर पापा आपको कैसे पता कि मैं गाड़ी की जरूरत थी? अरे दादा हमें
अरे हम फर्ज है ना, मैं अपनी लौंडा लपाड़ी उनको ख्याल रख लू। अम्मा इनको ख्याल हम ना रखेंगी तो सारू पड़ोसी रखेगो। असल में अम्मा बहुत दिन से मतलब आत्ममन था ना चल लो तो माओ अंदर अंदर महसूस हो रहा हो तो कि अब बहुत हो गए दो पहिया, अब चलेगो मामला चार पहिया में। देखो अपुआ। हाँ। आज तुमने अमाओ दिल खुश करता हूँ। आज हमें इतनी खुशी आ रही है जितनी खुशी उस टाइम हुई थी जिस दिन तेरे पिताजी स्कूटर लाए हुए थे। सुनो। हाँ? हमें भी ना तुम पे बहुत ही गर्व हो रहा है। अपुआ के पापा कितने हो? अरे हाँ यहाँ बैठा हूँ झूले पर। और मैं बहुत खुश हूँ। अपुआ तेरे पिताजी भी बहुत खुश होंगे, आशीर्वाद ले ले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ कहाँ प्रकट है, मतलब कहाँ पधारे डोकर? झूले पर बैठे हैं। ये झूला झूले। पिताजी को हमारी राम राम हैगी। हाँ जी तेरे। हाँ पिताजी, हम जो कह रहे कि जैसे आपने मेहनत की कमाई से स्कूटर खरीदो तो ऐसे ही हमने अपनी दो नंबर की दो नंबर की कमाई से ना खरीदो जो। हाँ। मेहनत की कमाई से खरीदो है। वे, तो कार कहते हैं गाड़ी से उतरो नीचे, अगर नीचे सारे डेंट लग जाएगा होते। अरे हवा खेलन देना, अभी तो कह रहा हो तो कि जे गाड़ी बालकन के लाने लाओ है, तो डांट कह रहा हो है ना। कह रहो ना ना अम्मा, हम डांट ना रहे, असल में हमारा कहने को उद्देश्य जो है रज्जू की मतलब इतने पैसा खर्च करके ससुर गाड़ी लई है तो बाकी बाहर का ही बैठी, अंदर घुस जाओ, लेट जाओ, पसर जाओ, बाहर ना रहो। क्या बात है, बड़ा शोर शराबा हो रहा है, और ये गाड़ी किसकी है? अरे हमारी कार है बेनी जी। अरे काय मजाक कर रही हो राजेश? काय मजाक का है, सारी तेरी साली लगती है राजेश जो मजाक करेगी। अरे काय मतलब बिमलेश से हमारी जो है शादी होगी तो फिर बिमलेश हमारी बीवी हुई तो राजेश हमारी साली ना हुई ना। ना सपीटे जब खुशी के मौके में बिमलेश को बीच में ना घुसे। सच्चाई तो ये है ये गाड़ी अमाओ हपुआ लाओ है। अरे वाह क्या बात है खोदी पुत्र। अब आएगो सर, अब आएगो, मतलब मुबारक हो नई नई गाड़ी ली है, जीवन की पहली गाड़ी, मुबारक हो। थैंक यू बेनी, थैंक यू यार। अब देखो क्या है ना, अब हमको ना बारिश में छाता लेके जो है रिक्शा का वेट नहीं करना पड़ेगा, आएगा जेब से जो है चाबी निकालेंगे फर्र से स्टार्ट करके निकल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी जाने तो गाड़ी ले दादा। खबरदार नास पीटे जो तूने जे गाड़ी को हाथ भी लगाओ तो नींबू निचोड़ देंगे। नींबू लगा देना सामने। हाँ हाँ मिर्ची नींबू। अरे राजेश इतने खड़ी का कर रही है, जल्दी से पूजा की थारी ले, क्या पूजा करेंगे, कालो टीको लगाएंगे। कट्टो तुम्हारे भूपे जो कालक लगी है ना उसी का टीका लगा दे, नजर तुम्हारी लगेगी। चुप करो। गाड़ी सारे सारे यार छह बार समझा रहे, डेंट लग जाएगा मैं। अरे इतना काहे डांट रहा है गाड़ी के लिए बच्चों को? हम ये बात पे चिढ़ रहे हैं कि हमने पैसा खर्च करे, हमारे लौंडा अंदर बैठे। दीदी मैं सोच रही हूँ कि न्यू ईयर की पार्टी में कुर्ता पजामा पहनूं। मलाइका यू वेयरिंग कुर्ता पजामा ऑन न्यू ईयर ईव, तो उसमें बुराई कैसे? मलाइका आर यू मैड, दिस होल वर्ल्ड इज वेयरिंग दिस वन पीस, टू पीस, थ्री पीस, फोर पीस, मिनी पीस, मिड पीस, एक्सेट्रा, बट यू वांटिंग टू वेयरिंग कुर्ता पजामा। देख भाई मरने ना पसंद यो सब, दादी के जन्मदिन पे करवा चौथ पे पहन के देख लिया मरने ना भाया, तू मारी छोड़, तू यो बता तू के पहनेगी? मलाइका नी नोइंग दैट व्हाट वी कैट। हाय कमलेश। यस यस कैट, हाउ आर यू? मी इज गुड। यू बे ओ तू के इसका दर्जी या फैशन डिजाइनर लगे जो थारे को मालूम है। यस यू कैन से लाइक दैट, मी इज फैशन डिजाइनर ऑफ द कैट। कैट मी टेकिंग समथिंग न्यू फॉर यू। Oh my God! Kamlesh, what are you bringing? See, this is for you from my side. What?
चुप। अबे ओ, यो गर्मी में पहनने की ड्रेस है, ठंड में पहनेगी ये सब? मलाइका, me wearing this short dress to making other people temperature hot, you know? ठंड में ठिठुर के मर जावेगी। टेम्परेचर हॉट, ये पहन ले तो मैं मर जाऊंगा। हैं, जोर से बोल। मलाइका, you leaving it now? Me wearing this dress. तू योर ड्रेस पहनेगी? खरे में लाज शर्म नाम की कोई चीज है? मलाइका, what is the problem in this dress? इतनी छोटी से यो ड्रेस पहनेगी ना तो लगेगा भी ना कि कुछ पहना भी है। मलाइका, you are also very छोटी and you are my छोटी sister. तो तू है ना अपने उस कुर्ते पजामे के अंदर है, मेरी ड्रेस में घुसने की कोई जरूरत नहीं, और चुपचाप चद्दर ले सो जा, बीच में मत बोलो। स्लीपिंग नाउ, स्लीपिंग। थैंक यू कैट। नो कमलेश, थैंक्स यू। ओह माय प्लेयर, प्लेजर। वही था। और ड्रेस? ओह, दिस इज माय चॉइस। Now you're going. Actually, what is my dabba?